हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रदीप दुबे और आप देख रहे हैं डिम्स यानी दुबे इमेजिनेशन इन मेडिकल साइंस, वेयर यू लर्न एवरीथिंग जस्ट बाय इमेजिनेशन। आज हम बात करेंगे कलर विजन की। इट इज द एबिलिटी ऑफ आवर आई टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स एक्साइटेड बाय द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। वैसे तो कलर विजन बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस 4 मेन हेडिंग पे आए हैं। पहला, व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ कलर विजन, व्हाट आर द जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर विजन एंड इट्स डिफेक्ट, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट टू डायग्नोज द कलर विजन डिफेक्ट्स, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कलर विजन डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ द कलर विजन। तो वैसे तो कई सारी थ्योरीज आई हैं कलर विजन को की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन 3 मेन थ्योरी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। पहली ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी, दूसरी ओपोनेंट थ्योरी और तीसरी जोन थ्योरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी विच इज गिवन बाय द यंग हेल्महोल्ट्ज़। अब इन्होंने क्या कहा था कि हमारी रेटिना में जितने भी कॉन्स हैं उनमें 3 टाइप के प्राइमरी कलर पिगमेंट होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और अगर हमें कोई नया कलर परसीव होता है तो वो इन्हीं के मिक्सचर से बनता है। इस स्टडी को सपोर्ट करने के लिए रिसेंटली माइक्रोस्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक स्टडी हुई है जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके 3 प्राइमरी कलर पिगमेंट को आइडेंटिफाई किया है, उनकी केमिकल करेक्टरिस्टिक को बताया है और उनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को डिफाइन किया है। अब कैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को डिफाइन किया है, उन्होंने बताया कि जो रेड कलर पिगमेंटेड कॉन्स हैं दे आर ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोलेब एंड दे आर द लॉन्ग वेवलेंथ सेंसिटिव एंड हैविंग द पीक सेंसिटिविटी एट 570 टू 590 नैनोमीटर। और जो ग्रीन कलर पिगमेंटेड कॉन्स हैं दे आर ऑल्सो नोन एज क्लोरोलेब, दे आर द मीडियम वेवलेंथ सेंसिटिव एंड दे हैव द पीक सेंसिटिविटी एट 535 टू 550 नैनोमीटर। एंड थर्ड टाइप इज ब्लू कलर पिगमेंटेड कॉन्स, दे आर ऑल्सो नोन एज साइनोलेब एंड दे आर द शॉर्ट वेवलेंथ सेंसिटिव एंड हैविंग द पीक सेंसिटिविटी एट 440 टू 450 नैनोमीटर। अब ओवरऑल सभी कॉन्स की अगर हम बात करें उनकी मैक्सिमम सेंसिटिविटी होती है येल्लो पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम, इसीलिए येल्लो लाइट की वेवलेंथ ग्रीन कलर से ज्यादा होने के बावजूद इट कैन बी परसीव्ड इवन एट ए लोअर थ्रेशोल्ड देन द ग्रीन। अब नेक्स्ट थ्योरी आती है ओपोनेंट थ्योरी। दिस थ्योरी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन द ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई द रेड इज ग्रीन कलर डज नॉट एग्जिस्ट, देन द हेरिंग पुट फॉरवर्ड द ओपोनेंट थ्योरी। उन्होंने कहा कि प्राइमरी कलर पिगमेंट 3 नहीं 4 होते हैं, रेड, ग्रीन, येल्लो एंड ब्लू, और दे आर ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फॉर एग्जाम्पल रेड जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ग्रीन का, और ब्लू जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है येल्लो कलर का। सो दे रिप्रेजेंट द अपोनेंट सिग्नल, मतलब जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट रेड कलर को एक्साइट करेगी वो ग्रीन कलर के पिगमेंट को इनिबिट करेगी। सिमिलरली जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ग्रीन कलर को एक्साइट करेगी वो रेड कलर के पिगमेंट को इनिबिट करेगी, इसीलिए रेड इज ग्रीन कलर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आई कि विच थ्योरी इज मोस्ट रिलायबल, अपोनेंट थ्योरी और ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक तीसरी थ्योरी आई, जोन थ्योरी, विच इज गिवन बाय द डोंडर। उन्होंने कहा बोथ ऑफ दीज थ्योरी आर यूजफुल, ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी ऑपरेट्स एट द लेवल ऑफ फोटो रिसेप्टर जबकि ओपोनेंट थ्योरी अप्लाईज टू द सब्सिक्वेंट न्यूरल लेवल ऑफ द कलर विजन प्रोसेसिंग। तो कैसे अप्लाई होती है ओपोनेंट थ्योरी न्यूरल लेवल पे, ये हम देखेंगे न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ कलर विजन में। इसमें होता क्या है, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जब रेटिना पे पड़ती है तो वहां के फोटो रिसेप्टर को एक्साइट कर देती है, तो उनमें क्या होता है फोटोकेमिकल चेंजेस होने लगता है, उसके बाद बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं उसमें, और एट लास्ट उसमें कॉन्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और ये एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होता है बाय द इलेक्ट्रिकल इंडक्शन टू द अदर सेल्स ऑफ द रेटिना, फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल सेल्स, बाइपोलर सेल्स, एमेक्राइन सेल्स एंड द गैंग्लियन सेल्स। तो ये माना जाता है कि ये जो गैंग्लियन सेल्स हैं
यहीं से न्यूरल प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है कलर विजन की। तो जो अपोनेंट थ्योरी है वो उसका एप्लीकेशन इसी लेवल से शुरू होता है। तो ये जो कलर इंफॉर्मेशन है वो गैंग्लियन सेल से ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज़मा और ऑप्टिक ट्रैक से होते हुए पार्वोसेलुलर पोर्शन ऑफ द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में रिले करती है। अब इस पोर्शन में होता क्या है, दो टाइप के स्पेशलाइज सेल्स मिलते हैं। पहला नॉन अपोनेंट सेल्स विच आर 30% एंड अपोनेंट सेल्स विच आर 60%। तो नॉन अपोनेंट सेल्स दे ऑलवेज गिव द सेम टाइप ऑफ रेस्पॉन्स फॉर एनी मोनोक्रोमेटिक लाइट, जबकि अपोनेंट सेल जो है दे आर एक्साइटेड बाई द सम वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड इनिबिटेड बाय द अदर्स। तो इस बेसिस पे ओपोनेंट सेल्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, सेल्स विद रेड ग्रीन एंटागोनिज्म एंड सेकंड इज सेल्स विद ब्लू येलो एंटागोनिज्म। तो जो सेल्स विद रेड ग्रीन एंटागोनिज्म है उनमें होता क्या है, जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो है वो रेड सेल्स को अगर एक्साइट करती है तो वही सेम वेवलेंथ की लाइट ग्रीन सेल्स को इनिबिट करेगी। सिमिलरली जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ग्रीन सेल्स को एक्साइट करती है वही सेम वेवलेंथ जो है वो रेड सेल्स को इनिबिट करेगी। सिमिलरली ब्लू येलो एंटागोनिज्म में होगा, जब ब्लू सेल्स एक्साइट होंगे तो येलो इनिबिट होंगे और जब येलो सेल्स एक्साइट होंगे तो ब्लू इनिबिट होंगे। अब यहां से क्या होता है, पार्वोसेलुलर पोर्शन ऑफ द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से कलर इन्फॉर्मेशन रिले करती है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स विच इज द एरिया नंबर 17। अब इस एरिया में भी कई सारी लेयर्स होती हैं, उनमें से सबसे पहले रिले होता है इनटू द 4C लेयर ऑफ द स्ट्राइएट कॉर्टेक्स, उसके बाद जाता है लेयर नंबर 2 और 3 ऑफ द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। इसके बाद कलर विजन प्रोसेसिंग जो है, कलर विजन इंफॉर्मेशन रिले होती है इनटू द सेकेंडरी विजुअल एरिया विच इज ऑल्सो नोन एज द विजुअल एसोसिएशन एरिया। यहां से फाइनली जो कलर इंफॉर्मेशन है वो टर्मिनेट होती है इनटू द लिंगुअल एंड फ्यूजिफॉर्म गाराई ऑफ द ऑसिपिटल लोब विच इज द मोस्ट स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द ऑसिपिटल लोब रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर विजन। अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है जेनेटिक्स ऑफ द कलर विजन, व्हाट आर द डिफरेंट जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर विजन। तो उसमें सबसे पहले आता है जीन्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रोडोप्सिन पिगमेंट आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम 3 एंड जीन्स विच आर responsible for the red green sensitive cones are located on the long arm of the X chromosome and genes which are responsible for the blue cones are located on the chromosome 7 and at last congenital color blindness have the X linked recessive inheritance, so it affects more to the males as compared to females। So till now we have discussed the three type of theories of the color vision and three type of the genes located on the three type of the chromosome. Rest two theories we will discuss into the next video. Tab tak ke liye thank you and have a nice day.